बाप और बेटे और रुकुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुकुदस के पाक शाकत आपके साथ हो। मसीह खुदावन में देखो, आज हम आमदवारों के 21वें बार की इबादत में शरीक हो। आज की इबादत का मरकजी नुकता इंतखाब चुनाव करना है और फिर खुदावन के साथ वफादार रहना है। खुदावन के कोर में चलना और एक दूसरे के ताबे रहना ही हकीकी जिंदगी है। इसी से हम खुदावन के साथ चल सकते हैं। ऐसे इस मॉर्निंग इस इबादत के शुरू होने से पहले हम सब गुनहगार होने का इकरार भी करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं एक आदम होते खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों बातों कामों लेज़बले से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों रब से भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बालक पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक ईयर आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर, तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम दुआ मांगे। खुदा तू अहले ईमान को यकदिल बनाता और उनको इत्तफाक और इत्तेहाद की तौफीक अता करता है। अनायकन के तेरे लोग तेरे हुक्मों को अजीज जाने और तेरे वादों के पूरे होने की तमन्ना करें ताकि वो इस बदलती हुई दुनिया की बदलती पसीर हालतों में अपने दिलों को बदले बगैर हकीकी मुसरत की तरफ लेकर जाए। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरगर्द करता है। पहली खुदावत यशा नदी किताब उसका 24 बाब पहली दो याद और 15 से 18 याद तक इस खुदावत में को परिसर इकरार करती है कि हम अपने खुदावत की चीज की पालन करेंगे। Thank you.
ताकि उस पर करने के साथ पानी के घुसन से साफ करके मुकद्दर करें और जो और सकने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करें जिसमें दाल ना शिकन या इस किस्म की कोई चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शोहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानी प्यार करे। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की बल्कि वो उसे पालता पोलता है। जैसे कि मसीह भी कलीसिया को क्योंकि हम इसके बदन के अंदर हैं इसीलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है यानी मसीह और कलीसिया की नींव पर पाक लाने के बदले और सुने जाने पर नाम की बरकत है।